नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगर्स कॉर्नर में। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और प्लीज चलिए चटपटी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए ये मैंने एक कटोरी पोहा लिया है और इसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और साथ में हम एक कटोरी सूजी लेंगे और सूजी मैंने बारीक वाली ली है पर हम साथ में ग्राइंड कर लेंगे। अगर मोटी वाली सूजी भी है ना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम मिक्सी में पीसेंगे तो वो और पिस जाएगी। तो अब मैं इसे पीस लेती हूँ। ये मैंने पीस ली है और देखिए ये बिल्कुल बारीक पाउडर बना दिया है। और अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे। और डाल देंगे एक कटोरी दही और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिए और अब हम इसमें आधा कटोरी पानी डाल देंगे और फिर एक बार मिला देंगे। अच्छे से हमने मिला दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जिससे सूजी जितनी फूलनी है फूल जाएगी। 10 मिनट हो गए हैं, सूजी फूल भी चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा पानी, क्योंकि हमें डो की तरह तैयार करना है इसको। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इस पूरे बैटर को तैयार करने के लिए हमने एक कटोरी पानी का इस्तेमाल कर लिया है। तो जो कटोरी हमने पोहे और सूजी और दही के नाप के लिए ली थी, वही कटोरी हमारा पानी लग गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो एक चम्मच हम नमक डालेंगे और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे और दो हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से हमने मिला लिए हैं और अब हम इसमें कड़ी पत्ता भी तोड़ के डाल देंगे। बारीक बारीक तोड़ के डाल दीजिए। और फिर मिला लेंगे। और इसको अब रखेंगे एक तरफ। इस रेसिपी को हम स्टीम करेंगे, तो जिस प्लेट में हम स्टीम करेंगे आप ये देखिए वो बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए। और इसे हम पहले ग्रीस कर लेंगे, तो आप किसी भी ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। और इसको रख देंगे हम एक तरफ। अब इस बैटर में हम आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे और फिर एक बार अच्छे से मिला लीजिए। और नमक आप एक बार चेक कर लीजिए, कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपके स्वाद के अनुसार होना चाहिए। अब आप एक कटोरी में थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए और ऑयल को आप हाथ पे लगाइए इस तरीके से और थोड़ी सी लोई लीजिए और इसको गोल घुमाना है हमको। और ये देखिए स्मूथ सी बॉल बन गई है। और अब हम इसको बीच से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसी तरह से हम बना के रख लेंगे। आप साइज बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से दे दीजिए। अगर आप बड़ा पसंद करते हैं तो बड़ा दीजिए, छोटा पसंद करते हैं तो छोटा भी दे सकते हैं, और भी कोई शेप देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। और चलिए मैं इसी तरीके से सभी बना लेती हूँ। ये देखिए पूरे बन के तैयार हो गए। और स्टीम करेंगे तो पहले ही आप पानी गर्म करने जरूर रख दीजिएगा, जिससे कि अच्छे से स्टीम हो जाए। और अब मैं स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए पानी में उबाल आ गया और अब इस पर हम बर्तन को रगड़ा देते हैं और ऊपर से उसे ढक देते हैं। स्टीम करने के लिए मैंने रख दिया है, ऊपर से ढक्कन भी लगा दिया है। और गैस की फ्लेम को आप मीडियम लो कर दीजिए और 10 मिनट तक हम इसे स्टीम होने देंगे।
10 मिनट हो गए हैं, आइए चेक कर लेते हैं अच्छे से स्टीम हुए हैं कि नहीं। ये देखिए कितने बढ़िया तैयार हो गए। अब मैं इसे उतार लेती हूँ। स्टीम तो हो गए, अब चलिए हम तड़का लगा लेते हैं। तड़के लगाने के लिए गैस पे पैन रख दीजिए और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, आधे चम्मच के करीब। और तेल गर्म हो गया है, अब तेल में जाएगा कड़ी पत्ता और जाएंगे राई के दाने। ये आधा चम्मच आप राई के दाने डाल दीजिए, जिससे कि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। राई के दाने अच्छे से चटक गए हैं और अब हम इसमें एक एक करके ये रख देंगे। और ये देखिए आसानी से छूट रही है, ये देखिए बिल्कुल आसानी से उतर रही है। अब ऊपर से थोड़े से मसाले और डाल दीजिए, पिंच ऑफ हींग, हींग की खुशबू बहुत अच्छी आती है, और पिंच ऑफ की हल्दी डाल देंगे, हल्दी से कलर बहुत अच्छा आएगा, और पिंच ऑफ ही लाल मिर्च डाल देंगे, पिंच ऑफ चाट मसाला, पिंच ऑफ काला नमक। अब हम मसाले के साथ अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से एक बार मिला दीजिए। ये देखिए मैंने अच्छे से मिला दिया है और कितना बढ़िया कलर आ गया है। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये लीजिए मज़ेदार नाश्ता हमारा तैयार है, और देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, और नाश्ता हमारा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और मैं आपको दिखाऊं कितना सॉफ्ट बना है और कितना बढ़िया बना है। आप इस नाश्ते को कभी भी बना के खा सकते हैं, जैसे सुबह की चाय के टाइम भी बना सकते हैं, इवनिंग में जैसे आप चाय लेते हैं और कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।